नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज नैम गहे कहे सुजस बिहार। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हे आहे श्री बिहारी दास, श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। वृंदाटवी रज पात्र निधिवरण्य निवास कृत, गान विद्या निधानोय सस्वामी शरणम। अतः श्री हरिदासेन सदृशो नैव कश्चन, ताता नित्य विहारस्य विना नित्य विहारिणो। रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदायी, स्तुति इह हरिवंश व्यास मुखै रसज्ञै, त्रिविध ब्रजन हरता दृष्टि मात्रे नयस्य, भजत भजत हितम स्वामिनं भोरसज्ञा। श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासने विहार प्राण वित्ताय नमः। प्रेमैकमूर्त राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारे ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभान। ना पाए है श्री स्वामी विन के, विपिन बसो वैराग्य जुता ज्यो लड़काए खे। विपिन बसो वैराग्य जुता ज्यो लड़काए खे। व्यारी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद्र जू की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल भानु अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, परम लाल ठाकुर श्री बांके बिहारी बिहारी, श्री मोहनी बिहारी बिहारी, श्री रसिक बिहारी बिहारी, श्री रंगीले बिहारी बिहारी, सभी आचार्य महानुभाव संत महापुरुष, भक्तजन प्रेमीजन संतजन, सभी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का साष्टांग दंड। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज की वाणी के माध्यम से आप सभी प्रेमी जनों ने श्रवण किया था, हमें बर गुरु गणेश वह दीनो, जल भर सूण फिराय शीश पर संस्कार सुभ कीनो, दे प्रसाद प्रतीत बड़ाई दुख दार सब छीनो, अपने पांच रूप दर्शाए सुख उपजाय नवीनो, व्यापक पूज्य सखी आचार्य अत ऐश्वर्य प्रवीणो, लोक वेद वह भर्म भगाए ताप सराय तीनो, आनंद गंध को पंत दर्शायो दंपति रत रस बीनो, भगवत रसिक लड़त लालन ललित भुजन भर लीनो। एक बात याद रखना कि जब तक गुड़ धारणा नहीं करते हैं, जब तक हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं होती है, कुछ भी कर लो
चिंतामणिर लोक सुखम सुरध्रुव स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। रसिक महानुभाव बताते हैं कि चिंतामणि जो है वो संसार के सुखों को प्रदान कर सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरध्रुव स्वर्ग संपदम, और जो कल्प वृक्ष है उस स्वर्ग के जो सुख हैं उस वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरध्रुव स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन जो गुरुदेव हैं, हमें जो ऐसे गुरुदेव मिले हैं, महाराज बताते हैं कि गुरु नारद सो होए अकिंचन परोपकारी। जो गुरुदेव मिले हैं एकदम नारद जी जैसे, जिन्हें अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा दूसरी कोई आशा ही नहीं है। उन्हें केवल यही है कि ये कैसे ना कैसे करके हरि चरणारविंद में पहुंच जाए, जी भजन करे, स्वामी जी की इस पे कृपा बनी रहे। गुरुदेव का दूसरा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, ना कोई स्वार्थ होता है। उनका केवल यही कहना होता है कि हम बिहारी जी महाराज को प्राप्त करें। महाराज भजन का सिद्धांत में भी महाराज लाए हैं, यह प्राणी अपनो भलो चाहत नहीं, न जानत को भलो कासो कहिए तुम्हें। श्री गुरु जोरा बारी या को भलो करते हैं, बिहारी जी उसो कहे हैं हम कभी अपना भला चाहते नहीं है। पहले भी बता चुके हैं कई बार कि हम अपना भला जानते ही नहीं कि भला कहते किसे हैं। हमारे अनुमान में जो हमारा भला है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। और जो संत गुरुदेव के दृष्टि में जो हमारा भला है वही एकमात्र सार्थक है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतने आगे तक की नहीं सोच सकती कि हम आगे कुछ कर सकें। इसीलिए सानिध्यता की बात करते हैं। गुरु शरणारविंदो में रहो, गुरु चरणारविंदो में रहो, उनकी शरणागति में रहो। उससे यह है कि हम कभी भी ज्यो ज्यो उजकू कूब में त्यों त्यों कर गहे लें, यदि हम संसार में भटकेंगे भी, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो स्वामी महाराज हैं सर्व सामर्थ्य हैं, हमको जाने ही नहीं देंगे संसार के विषय भोगों में। तो महाराज इसी बात को बता रहे हैं कि गुरुदेव के चरणों में बैठे रहो, उनसे प्रार्थना करते रहो। हे लाडले जू, श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी ललित मोहन देव जी महाराज, ललित मोहन देव जी महाराज ने इतनी सेवा करी अपने गुरुदेव की, ऐसी सेवा करी कि महाराज पहले उनका नाम केवल मोहनीदास था, केवल मोहनीदास। महाराज ने सेवा ऐसी तत्पर तरीके से करी कि महाराज ने अपना आधा नाम भी दे दिया। गुरुदेव को कोई सामान्य प्राणी ना समझे, ये तो हमारे जैसे ही दिखने वाले। आचार्य माम बजाने यान नाम मंदित कर ही चित ना मर्त बुद्ध्या स्वेत सर्वदेव मयो गुरु। महाराज आचार्य जन बता रहे हैं कि आचार्य माम बजाने यान नाम मंदित कर ही चित, कि जो आचार्य हैं, संत हैं, गुरुदेव हैं, उनको जीव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, वही हाड़ मास के हम बने हुए हैं, वही हाड़ मास के ये बने हुए हैं। यदि ऐसी दृष्टि हमारे गुरुदेव के प्रति हुई तो हमको कभी ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनके अंदर हरि गुरु संत संत गुरु हरि हैं, इनमें जो अंतर करे है तो दमक दमक नरकन में परे हैं, वे कबू ना है उतर हैं। श्री स्वामी ललित किशोर देव महाराज कह रहे हैं तुम कितना भजन कर लो, कितना नाम जाप कर लो, तुम्हारे गुरु चरणारविंदो में प्रीति नहीं है, गुरु के चरणों में अखंड प्रीति नहीं है, उनके पास नहीं बैठते हैं, महाराज तुम पर हरि प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। गुरुओं की शरणागति बहुत जरूरी है।
यदि गुरुदेव हम पे कृपा नहीं करेंगे तो प्राप्ति होना बहुत ज्यादा मुश्किल क्या असंभव ही है, प्राप्ति होगी ही नहीं। तो महाराज आज के प्रसंग में महाराज बताने लगे, नैनन देखो और कछु श्रवण सुनो नहीं और ग्रहण न सुगो और कछु रसना कहो न और रसना कहो न और त्वचा पर सो नहीं और कुलज बिहारी केल झेल इंद्र न सब ठोर भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशो सेनन वैनन मैनन जगाय रैन दिन देखो नैन न देखो और कछु श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सुगो और कछु रसना कहो न। हमारे जो नेत्र हैं वो सांसारिक वस्तुओं को ही देखने में लगे हुए हैं, हमारे जो कान हैं वो केवल फिल्मी गाने और संसार की जो फालतू की जो बकवास है वो कार्य करने में लगे हुए हैं, हमारी जो नासिका है अनर्गल वस्तुओं को सूंघने में रहती है, जिह्वा है हमारी वो फालतू के खाना और बकवास के, इसके तो दो कार्य और हैं, हमारी त्वचा है सुंदर सुंदर स्पर्श करना चाहती है, मां शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांच ये विषय भी होते हैं, और एक एक जीव महाराज एक एक विषय के कारण उसको मरना पड़ता है, एक एक जीव को नेत्रों से देखने की वजह से, क्योंकि अच्छा देखने के लिए हमारा शब्द इसका जो कार्य है, नेत्रों का जो कार्य है देखने का कार्य है, और हम हमेशा संसारिक वस्तुओं को ही देखते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श महाराज देखने की वजह से एक जीव का पतन हो जाता है, पतंगा जो जहाँ पे ज्यादा प्रकाश होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो आकर्षित होता है तो देखने की वजह से ज्यादा सुंदरता की वजह से उसको मरना पड़ता है, एक पतंगा को, एक हिरण को शब्द उसको सुनने का बहुत अच्छा शौक होता है, तो जब बहेलिया होते हैं पकड़ने वाले बहुत सुंदर संगीत बजाते हैं उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है, पकड़ के ले जाते हैं बाण मार देते हैं ले जाते हैं उसे, गंध जो भौंरा होता है उसको खुशबू का बहुत बड़ा शौकीन होता है, जब वो कमल की पंखुड़ियों में बैठता है, एक भौंरा था कमल में जाके बैठा कि उसमें बड़ा ही आनंद आ रहा था, उसे बहुत सुंदर आ रहा था, तो इतनी देर में क्या हुआ कि रात्रि हो गई, जो कमल था वो बंद हो गया, कमल बंद हो गया, अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं सुबह जैसे ही कमल खुलता है तो मैं सुबह चला जाऊंगा, और जैसे ही सुबह सुबह हुआ इतनी देर में कोई रात्रि में ही कोई मधमाता एक हाथी आया, उसने उस कमल के फूल को उखाड़ा और अपने पैरों के तले कुचल दिया, उससे जो भौंरा था वो भी मर गया, शब्द रूप रस और जिह्वा की जो शौकीन होती है वो मछली होती है, खाने की वजह से मारी जाती है, पकड़ने वाले हैं जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो कांटा कांटे में कुछ खाने का पदार्थ लगा के रखते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, उसको जब खाने आती है मछली उसके वजह से मछली को ही मरना पड़ता है, हाथी को स्पर्श का बड़ा शौक होता है, हाथी को पकड़ने वाले भी ऐसे ही करते हैं, नकली हाथनी बना देते हैं, उसके नीचे होता है गड्ढा, उसको फिर जैसे ही हाथी आता है तो उससे जैसे स्पर्श होता है उस गड्ढे में गड़ जाते हैं, वह पकड़ा जाता है, तो अपने अपने एक एक व्यसन के कारण
जो पांचों के पांच जीव नष्ट हो गए। अब सोचो हम लोगों में तो सारे के सारे व्यसन हैं। हमको सुंदर देखने के लिए भी चाहिए, हमको सुंदर खाने के लिए भी चाहिए, हमको सुंदर सुनने के लिए भी चाहिए, अच्छा स्पर्श करने के लिए चाहिए, मुलायम मुलायम अच्छा सूंघने के लिए चाहिए, सब कुछ हमको सुंदर सुंदर चाहिए। अब सोचो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, जिव्वे कतोच्युत बिगड़सति मा अपतृप्ता शिष्णु नतस्तो गुदरणम गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो नतस चपल दृक्वच कर्म शक्तिर वह वह सपत्न इपगेह पतिम नलंते। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए हम लोगों को इस प्रकार से कि हे ठाकुर, हमारा जो पांचों की पांचों जो ज्ञान इंद्रियां संसार की तरफ भागती जा रही हैं, आपकी तरफ हम अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो आपकी तरफ आने के लिए बढ़ता ही नहीं है। हमारा मन तो ये कहता है कि यहीं पे भटके रहो, संसार में भटकते रहो, मन यहीं पे ऐसे डूलते रहो। नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मजादुति ब्रह्म कामा तुरम हर्ष शोक भयई शरणार्थ तस्मिन गतम तव तस्मिन कथम तव गतिम विमसाम दीनः। महाराज कह रहे हैं कि नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ कि हे ठाकुर, मेरा जो मन है उसकी बड़ी बुरी दुर्दशा हो रखी है, बहुत ज्यादा बुरी दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि मेरा मन हमेशा संसारिक भोगों के भोग में लिप्त रहता है, संसारिक भोग ही चाहिए से बस, और कुछ नहीं चाहिए, और पाप वासनाओं से कलुषित है, कभी ये नहीं चाहता है कि हाँ इन सांसारिक वस्तुओं को त्याग के मैं हरि को प्राप्त कर लूं। महाराज एक हुए पृथ्वी जी महाराज, हुए उन्होंने तपस्या की ठाकुर की, भगवान की अवतार बताए जाते हैं 24 अवतारों, पृथ्वी जी महाराज भी एक अवतार है। तो उन्होंने ठाकुर की तपस्या की, ठाकुर प्रसन्न हुए। अच्छा प्रसन्न होने के बाद में उन्होंने वर क्या मांगा, बहुत सुंदर वर मांगा, न काम है नाथ तदप्य हम कुछ चरणाम भुजा सभा मैत मंत्र हृदयान मुखच्युत विदत सुकरणा जो तमेश में वर। बहुत सुंदर वर मांगा है उन्होंने कि हे ठाकुर, वही बात चले, नैनन देखो और नहीं श्रवण सुनो नहीं, और हम नेत्रों से हमको और कुछ नहीं देखना है, केवल देखने हैं तो केवल संतों के चरणारविंद, हरि चरणारविंद, संतों के दर्शन, हरि के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, वृंदावन धाम के दर्शन, और कुछ नहीं देखना है, और श्रवणों से। तो श्रवणों के ऊपर महाराज बता रहे हैं, पृथ्वी जी महाराज ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि ठाकुर मुझे केवल देखना चाहते हो, न काम है नाथ तदप्य हम कुछ नयत्र युष्मत चरणाम भुजा सभा, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए और कोई मेरी जिज्ञासा नहीं है, मुझे केवल 10,000 कान दे दो। श्रीमद भागवत जी का प्रसंग है ये कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कही कि 10,000 कान तो दे दूंगा, तेरी स्थिति क्या होगी, तुम्हारे शरीर बड़ा अजीब प्रकार से दिखेगा। भगवान से कहा कि हे ठाकुर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 10,000 कान मेरे शरीर पे दे दो, मेरे ये दो कानों में ही उन 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करो, 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करो कि मैं आपको जो सत्संग होता है, आपके जो गुणान वादन होता है, आपको जो कीर्तन होता है, जब वो हो रहा हो तो मैं आपके गुणान वादन को सुनते सुनते थकूं नहीं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जैसे एक कोई प्रसंग है, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, फिर उसके बाद में अरे ये तो हमने सुना हुआ था, ये प्रसंग तो हमने सुना हुआ था, अब कोई दूसरा आना चाहिए। अगर ऐसी हमारे मन में भावना आ गई तो महाराज उसी लिए कह रहे महाराज मैं 10,000 कान दो कि आपके कीर्तन में, आपके सत्संग में, समाज गायन में कभी मुझे नींद ना आए, कभी आलसपन ना आए, क्योंकि कान जब थक जाते हैं तभी जाके ऐसा होता है।
तो महाराज मैं आपके गुणान वादनों को श्रवण करता ही रहूं, कभी थकित ना हूं। आचार्य जन कहते हैं, भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में, स्वेट बड़ा होष्ट कराई संस्तुतः पुरुषा पशु न कर्ण पथोपे तो जात नाम गदा गिर जाए। यदि हम ठाकुर का गुणान वादन अपने कर्ण पुटों से नहीं सुनते हैं, अपने कानों से बिले बतोर क्रम विक्रमान ये न श्रण वतः कर्ण पुटे न रस जिब्बा सती दार सूत न चोप तो गायो गाथा। महाराज यदि हम अपने कानों से हरि का गुणान वादन नहीं सुनते हैं तो हम हमारे जो कान है ना वो एक ऐसे समझो जैसे चूहे के बिल के समान, चूहे के बिल के समान है हमारे यदि कान हम हरि का गुणान वादन नहीं सुनते हैं तो इनको सही वस्तु में लगाओ, जो संसार की वस्तुओं को जो सुनते हैं। और यदि हमारी जो जीव है, जिह्वा है, वो एक मेढक के समान है, जैसे वो टर टर करता रहता है ना, उसी प्रकार हमारे इस जिह्वा के दो कार्य हैं, एक तो स्वाद और बकवास, दो कार्य चाहिए, एक तो अच्छा अच्छा खाने के लिए और बुरा बुरा बोलने के लिए। तो महाराज यही बात है कि अपनी पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियों के हरि हरि के समर्पण कर दो। तो महाराज कह रहे हैं कि हे ठाकुर जिब्बे कतोचित बिकट सत्य माप तृप्ता सुष्णु नतस्तो गुदरम श्रणम कुतश्चित, कि हे ठाकुर मेरे जो नेत्र हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, मुझे अपने विषय की तरफ खींचते हैं, मेरे जो कान हैं वो संसार की वस्तुओं को सुनने की तरफ खींचते हैं, मेरी जो जिब्बा है स्वाद चाहती है बकवास चाहती है, मेरे जो नासका है सुंदर सुंदर सुगंध चाहती है, मेरा जो शरीर है सुंदर सुंदर स्पर्श करना चाहता है। हे ठाकुर मेरी ऐसी स्थिति हो रखी है फिलहाल में कि एक कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो उसकी कई सारी स्त्रियां हो, उन वो स्त्रियां सारी की सारी अपने अपने शयन कक्ष में जिस प्रकार उस व्यक्ति को खींचे, अब उसकी क्या दुर्दशा होगी उस समय, उस प्रकार से हमारी स्थिति हो रखी है। पर हम समझते नहीं, हम सारे शौकों को पूरा करते हैं सारे के सारे। महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि इन शौकों को छोड़कर हर चरणार बिंदु में अपने मन को लगाओ, अपने मन को हरि चरणार बिंदु में लगाएंगे तो मत ऐसी स्थिति हो जाएगी। महाराज एक जगह लाए हैं श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, यन्ना मधे श्रवणानुकीर्तना यत् प्रवणा यत् प्रवहणा दत् स्मरणा दपि कुचित स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। कि जो लोग ना ठाकुर का गुणान वादन कहीं भूले भटके कहीं सुन लेते हैं, जो भूले भटके कोई गायन कर लेते हैं और ठाकुर जी के ऐसे दर्शन कर लेते हैं, ज्ञान इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग बिना ही किसी के कहे सुने ही, महाराज खुद लिख रहे हैं कि यन्ना वर्देय श्रवणानुकीर्तनात्, भगवान आपके नामों का जो श्रवण, ठाकुर के नामों का श्रवण यदि हम करते हैं तो वो व्यक्ति जो है केवल और कहने से नहीं, ऐसे मतलब कहीं कहीं चल रहे हैं और सुन रहे हैं ऐसे ही, तो वो जो व्यक्ति है ब्रह्मा जी के पूजने योग्य हो जाता है, जो ठाकुर का गुणान वादन सुनता है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत जी इस बात को कह रहे हैं कि जो ठाकुर का गुणान वादन सुनता है, ठाकुर का गुणान वादन करता है, अपने जिह्वा से ठाकुर का नाम लेता है, तो चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, वो चाहे खूब पाप करता है, ठाकुर का गुणान वादन सुनता जैसे तैसे करता है, महाराज वो सबके पूजने योग्य हो जाता है, सबके पूजने योग्य, चाहे ब्राह्मण हो चाहे और कोई हो, सबके पूजने योग्य हो जाता है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं ठाकुर का गुणान वादन करो, उनके सत्संग सुनो,
ठाकुर का जो सत्संग है ना बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। भाग्यो दयन भव जन्म समर जेते ना सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेत कृत मदांधकार नाशम विदाय हे तदो देते विवेक। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं कि बड़े जब बहुत ज्यादा जब भाग्य उदय होते हैं भाग्यो जय दयन बहु जन्म सरमर जिते ना बहुत जन्म के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाके हरि का जो सत्संग है वो प्राप्त होता। सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही और जब सत्संग हमको प्राप्त हो जाता तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हृदयो हेतदो दयते विवेक। हमारे हृदय में वो जितने भी जो विकार हैं नासम पिदाय हेतदो दयते विवेक सारे के सारे विकारों को नाश करके हमारे हृदय में हरि के चरणारविंदों के प्रति प्रीति जगा देता है। तुम्हारा इसी बात को कह रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं श्रवण सुनो नहीं और सुजस श्री हरदास को श्रवण बड़ सर्वदा प्रसन्न श्री हरदास गुरु नाम भागो नाच का सहज सौरभ श्री हरदास सौरभ सुतन मनस श्री हरदास गुण नाम बाको जय श्री पर वे हरदास श्री हरदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाको धन्य सो इसी से श्री हरदास चरण बंदन करे नैन श्री हरदास के रूप राखो। महाराज कह रहे सुजस श्री हरदास को श्रवण वर्ष श्रद्धा यदि हमारे जो कान है वो धन्य कब है यदि हम स्वामी जी महाराज का गुणान वादन श्रवण करते हैं। सुजस श्री हरदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरदास गुणनाम भाको हमारी जिब्बा तभी धन्य है हम अपनी जिब्बा से ठाकुर का गुणान वादन करते हैं स्वामी जी महाराज का श्री हरदास नाम जाप करते हैं। ये श्री हरदास नाम जाप नहीं करते हैं तो बेकार है। नाच का सहज सौरभ सुतन मन श्री हरदास गुण नाम भाको हमारे नाच का सहज जो इत्र की जो प्रसाद जो ठाकुर की जो समर्पण जो वस्तु है उसको सूंघती है तो धन्य है। नाच का सहज सौरभ सुतन मनस श्री हरदास गुण नाम भाको मन हमारा तब धन्य है जब हम अपने मन से स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हैं। जय श्री बर बिहारिंदा श्री हरदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाको जितने भी जो इंद्रियां हैं हमारे ठाकुर के चरणों में रहनी चाहिए तब जाके स्वामी जी के चरणों में जब रहेंगी तब जाके वो कहेंगे कि ये पूरी तरह जब हमारे समर्पण है तो हम इसको जब हम उनको याद करते हैं ना तन मन अर्पण लाले जब हम पूरी प्रकार से याद करते हैं जब याद करते हैं तो याद का उल्टा होता है दया तो ठाकुर हमारे ऊपर दया करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हरि स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज हमारे ऊपर दया करें तो महाराज हर प्रकार से लग जाओ उनके भजन में। उनके अलावा हमें और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हर समय श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास जाप करते रहो तो नैनन देखो और नहीं श्रवण सुनो नहीं और ज्ञान न सुनो और कछु रसना कहो ना और हमको नासका से और कुछ सूंघना नहीं है। जो सांसारिक वस्तुओं को जो सूंघते हुए रहते हैं ना हम वैसे और रसना कहो ना और रसना कहो ना और त्वचा परसो नहीं और हमको त्वचा से कुछ स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श करने हरि चरणारविंद गुरुओं के चरणारविंद संतों के चरणारविंद दौड़ दौड़ के सेवा करो महाराज तौना पैना भजन कियो अवसर कियो न काज आयो बट घटे जोवन खसे फूटे डपलों बाज। जब तक हमारी अवस्था है नीको तन तब गफले दुख है तब बिल्ला है जब तक हमारी अवस्था है हम अच्छा देख सकते हैं दूर दूर तक देख सकते हैं हम अच्छा दौड़ भी सकते हैं अच्छे प्रकार से ठाकुर की सेवा कर सकते हैं। जब तक हमारी अवस्था है महाराज कर लो क्योंकि आज को लाहो लह कौन है देखी काल कल किसने देखा है। आज का लाभ ले लो अगर आज निकल गया ना तो फिर जब हमारे किस जितने भी शरीर हैं वो शिथिल हो गए तो फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत फिर तो केवल पछताना ही पछताना रह जाएगा।
तो इसलिए आचार्य जन कहते हैं कि जब जागत प्रिया भजनी सो बोपाम पसार, जब हमको चेतना हो जाए, जब भी चेतना हो जाए तभी से हरि चरणारविंदों में अपने मन को लगाकर भजन करना आरंभ कर दो। और उसी क्षण से महाराज अभी श्रवण किया ना, महाराज बताते हैं कि यन्ना मदे श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवहणा यत् स्मरणात् अपि क्वचित्, कि जो ठाकुर का गुणान वादन भूले भटके किसी के कहने सुनने से भी यदि श्रवण करते हैं, कहीं ऐसे ही चाहे कहीं पे चल रहा है उसे श्रवण करते हैं, महाराज वो ब्राह्मणों के पूज्य योग्य हो जाता है, ब्रह्मा जी के, महाराज बड़े बड़े लोगों के पूजनीय योग्य हो जाता है। वो अपनी तरफ से नहीं, श्रीमद् भागवत जी इस बात को कह रही हैं, जो ठाकुर का भजन करते हैं और जो उनका नाम स्मरण मन से करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। जिन्होंने, जिन संतों ने ठाकुर के दर्शन कर लिए हैं, जो उनके लिए ही जीते हैं, उन रसकों का कहना क्या। तो महाराज ऐसे लग पड़ो, ऐसे लग पड़ो कि बस स्वामी जी से स्वामी जी और बिहारी जी से बिहारी जी और न सो आंख मुद इन्हें निहारी जी, बस स्वामी जी ही देखें हमको। इस प्रकार से जब हम लग पड़ेंगे, महाराज कहते हैं नमंत मूर्धना हरदास पादम, एक श्लोक में श्री आचार्य जन लाए हैं, कि नमंत मूर्धना हरदास पादम स्मरणंत मुद्या हरदासमेव त्यजन्तु सर्वं हरदास तुल्यं वदन्तु वाचा हरदास नामं, नमंत मूर्धना हरदास पादम स्मरणंत मुद्या हरदासमेव त्यजन्तु सर्वं हरदास तुल्यं, कि हमको यदि वंदना करनी है, मन मना मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुर मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि, हमें यदि वंदना करनी है, वदन्तु वाचा हरदास नाम, अपनी जिब्बा से कुछ बोलना है तो केवल श्री हरदास नाम। नमंत मूर्धना हरदास पादम, हमको यदि दंडवत करनी है तो केवल स्वामी जी के लिए, अपने आचार्य जनों के लिए, अपने रसिक संतों के लिए। नमंत मूर्धना हरदास पादम स्मरंत बुद्ध्या हरदास में, हमें स्मरण करना है, हमें ध्यान करना है तो केवल स्वामी जी महाराज का, स्वामी जी महाराज के चरणारविंदों का, प्रियालाल स्वामी जी की गोद में प्रियालाल का, अपने गुरुदेव का सहचरी भाव से। और त्यजन्तु सर्वं हरदास तुम्नन, स्वामी जी के अलावा सब कुछ त्याग दो, यदि प्राप्ति चाहिए, यदि स्वामी जी चाहिए तो स्वामी जी के अलावा सब कुछ बेकार है, ये अपने मन में स्वीकार कर लो, केवल स्वामी जी ही हैं, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी। जब ऐसा हम अपने हृदय में स्वीकार करेंगे तब जाके हमको कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज कहते हैं रसिक कमल कुल भान कुंज केल प्रदाय स्तुति हरि वंश व्यास मुख्य रसंखी त्रिवत ब्रजन हरता दृष्ट मात्रेण यस्य भजत भजत हितम हि स्वामिनं भो रसक्या। रसिक कमल भानु कुंज केल प्रदाय, जो स्वामी जी महाराज हैं वो रसिक शेखर हैं, रसिक श्रोमणि कहा गया, रसिकन को रस दैन को प्रगटे रसकानंद। तो स्वामी जी महाराज जितने भी स्वामी जी के काल में त्रिवेणी संगम थे, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हित जी महाराज और हमारे स्वामी जी महाराज, इन सारे तीनों आचार्यों में अग्रणी जो आचार्य थे हमारे श्री स्वामी जी महाराज थे। जो कुछ भी कोई भी कार्य करते थे हमारे स्वामी जी महाराज के बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे। श्री स्वामी हरिराम व्यास जी ने तो महाराज कह ही जो दिया है, अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज के बारे में सब कुछ कह दिया है कि यदि चाहो नित्य विहार को तो श्री हरदास कहो, यदि नित्य विहार की प्राप्ति करनी है तो केवल श्री हरदास नाम से ही प्राप्ति होगी। श्री हरदास नाम को ही हमको ध्याना है, श्री हरदास नाम को ही अपने मन में बसाना है, श्री हरदास नाम को अपने हृदय में देखना है, श्री हरदास नाम को ही सुनना है, देखना है और बोलना है, सब कुछ श्री हरदास नाम, तो
तब जाके हमें कुछ प्राप्ति होगी, नहीं तो महाराज लगे रहो। यदि हमारे रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरदास, इनवल सोऊं चैन सो निरखत नाहीं रास। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई कि हमारे रोम रोम से श्री हरदास नाम जागृत होने लग जाए, श्री हरदास नाम हमारे रोम रोम से प्रसारित होने लग जाए, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी ना, तब तक प्राप्ति बहुत दूर है। ऐसी हमारी ऐसी ललक हो जाए, ऐसी ललक हो जाए कि बस हम श्री हरदास नाम के बिना कदापि रह ना पाए। हर समय श्री हरदास नाम, हर समय श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, चलते फिरते उठते जागते भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिस तसु। हर समय श्री हरदास नाम जाप होता रहे, हमारे जिब्बा पे श्री हरदास नाम की छाप जाकी रसन जगमग है। जित श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरदास, तनवन प्राण जम ले त्यों फूल। हर समय स्वामी जी महाराज का नाम हमारे जिब्बा से चलना चाहिए, हर समय कानों से सुनना चाहिए, हर समय। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी ना, हर समय श्री हरदास नाम हमारी जिह्वा से चल रहा है, हर समय हम उसी को जब बोलेंगे तो श्रवण भी करेंगे, तो हम जब श्रवण करेंगे उसी नाम को बोलेंगे तो महाराज समझ लो कि स्वामी जी महाराज अपने हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे हो जाएंगे और हमारे साथ में रहेंगे। बोले स्वामी जी महाराज की जय। तो कोक उपदेश भगवत रसिक अनन्य, कोक उपदेश सैनन बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो ने। महाराज कह रहे हैं कि इस केली को कोक उपदेशों सैनन, जो नेत्र है ना हमारे, जो अंदर के जो नेत्र हैं, द्वे अखियाएं डेवरी जी रोकी विश्वास, हमारे जो अंदर के जो नेत्र हैं, हृदय पटल के जो नेत्र हैं, उनसे इस सुख के दर्शन करो। अपने ऊपर के नेत्रों से हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, ऊपर के नेत्रों से संत आचार्य जनों के दर्शन करो, और अंदर के जो नेत्र हैं उनके, उनसे ठाकुर के दर्शन करो, स्वामी जी महाराज के दर्शन करो, तब जाके कुछ प्राप्ति होगी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। मन मेरे भजिल श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजिल श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारे प्यार, वृंदावन घन नवनिकुंज में, वृंदावन घन नवनिकुंज में, केले करत भुज चारी छा, बिहारी बिहारेन दास लड़ावत, बिहारी बिहारेन दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी हमारी, जीवन प्राण हमारी हमारी, मन मेरे भजिल श्री कुंज बिहार। प्यारे जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन चंद्र जू की जय। जय जय श्याम कुंज बिहारी श्री।